Assalamu alaikum and welcome to MK Academy. This is the last part of the requirement topic, that is requirement elicitation, documentation and maintenance. So, chalte hain aage. Elicitation basically matlab ye hota hai ki draw out karni hoti hai requirements ko, yani ke wants ko aur needs ko, ya to hamari system ki ho sakti hai requirement ya hamari user ki requirements ho sakti hai. To unko bahar nikalne ka process ko, unko gather karne ke process ko elicitation kehte hain. Requirements for information system bhi ho sakti hain, for product ho sakti hain, or for a project bhi ho sakti hain. Ab baat karte hain ki requirements ko determine karne ke liye jo question puche ja sakte hain, wo kuch aise ho sakte hain ki who does it, what is done, where is it done, when is it done, how is it done, why is it done. Ab main focus is baat ke upar rakhein when you are asking questions in order to draw out the requirements ke jo hai क्वेश्चंस सिंपल हों, एम्बिगुअस ना हो, ताकि आपको सिंपल आंसर्स मिलें. और जब आप उन रिक्वायरमेंट के ऊपर काम करके उनको अगले फेज में लेके जा रहे हो तो आप सिंपली और इजीली उनको ले जा सकें और फिगर आउट कर सकें कि कौन से रिक्वायरमेंट का क्या मकसद है और ये कहां से आ रही हैं. सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स बेसिकली वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो एक सिस्टम को चाहिए होता है इन ऑर्डर टू कम इनटू द शेप, बनने के लिए उसको जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, या अपने प्रोसेसेस को करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, डाटा हो गया, प्रोसेसेस हो गए, ये सब चीज़ें आ जाती हैं सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स के अंदर. लेकिन बेसिकली सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स उन लोगों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि सिस्टम को बिल्डअप कर रहे होते हैं, जो कि प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स को कहते हैं. अब आते हैं फाइंडिंग मेथड्स के ऊपर. पहले मैंने क्वेश्चंस बताए जो कि बेसिक क्वेश्चंस होने चाहिए, आपका बेसिक स्केलेटन होने चाहिए. अब वो प्रोसेसेस हैं जिनके ज़रिए से आप जो है क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, दैट इज़ सैम्पलिंग. सैम्पल ले लें, रिसर्च करें, विजिट करें साइट्स को, ऑब्जर्व करें अपने वर्किंग इन्वायरमेंट को, क्वेश्चनायर्स फिल करवाएं, इंटरव्यूज़ करवाएं, प्रोटोटाइपिंग हो. प्रोटोटाइपिंग बेसिकली यही होती है कि आपने अपने क्लाइंट को इन्वॉल्व करना है, उसको कुछ रिक्वायरमेंट्स दिखाएँ जिन्होंने उस रिक्वायरमेंट के ऊपर काम करना हो, यानी कि व्हेन इट कम्स टू द सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, तो आप उन लोगों को वो रिक्वायरमेंट्स दिखाएं जिन्होंने सिस्टम पे काम करना है, कुछ कुछ लिखकर. और जब बात आती है क्लाइंट्स की तो आप क्लाइंट्स को दिखाएं रिक्वायरमेंट्स. जॉइंट रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग में हम ऐसा करते हैं कि हम एक वर्कशॉप्स, डिफरेंट वर्कशॉप्स अरेंज करवाते हैं जिसके अंदर जो है हम रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं. रिक्वायरमेंट्स जैसे कि मैंने पहले बताया कि दो टाइप्स की होती हैं, यूज़र की होती है और सिस्टम की होती है. यूज़र रिक्वायरमेंट बेसिकली वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो यूज़र एक्सपेक्ट कर रहा होता है अपने सिस्टम से कि हमारा सिस्टम क्या कुछ कर सकता है. यूज़र रिक्वायरमेंट में फर्दर दो टाइप की रिक्वायरमेंट आ जाएंगी, यानी कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट. फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये बताएंगी कि सिस्टम क्या कुछ कर सकता है. तो जब फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की बात आएगी तो हम बेसिकली बात कर रहे होते हैं डाटा की, हम बात कर रहे होते हैं कि हमारे पास क्या इनपुट होगा, क्या आउटपुट होगा, कैसे प्रोसेसेस होंगे, ये हमारा मेन फोकस होता है. जब हम नॉन फंक्शनल की बात करते हैं तो मेन चीज़ अपने माइंड में रखने की जो होती है वो ये होती है कि हम कॉन्स्ट्रेंट्स को अपने माइंड में रखें. कॉन्स्ट्रेंट्स बेसिकली कहते हैं किसको, कॉन्स्ट्रेंट्स बेसिकली कहते हैं लिमिटेशंस को. लिमिटेशंस को हम अपने माइंड में रखें कि हाँ, हम ये सिस्टम तो बना रहे हैं, इसे हमें ये काम करना है, क्या ये काम पॉसिबल भी है या नहीं. ये चीज़ हम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी देखते हैं. इस तरह से हमें फंक्शनल रिक्वायरमेंट में बेहतर तौर पे काम करने का मौका मिल जाता है, क्योंकि हम पॉसिबिलिटीज़ को या हम कॉन्स्ट्रेंट्स को बिल्कुल भी देख नहीं रहे होते. हम सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि सिस्टम क्या कर सकता है और क्या चाहिए हमें. तो जब हम बात करते हैं यूज़र की रिक्वायरमेंट की, तो दो टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट हमने देखनी है कि एक तो यूज़र की फंक्शनल रिक्वायरमेंट और यूज़र की नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे. जैसे मैंने बताया कि यूज़र रिक्वायरमेंट दो टाइप की होती हैं, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल. तो फंक्शनल में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि वही जो मैंने आपको बताया कि वो इनपुट देखेगा, आउटपुट देखेगा, डाटा देखेगा, कंप्यूटेशंस देख लेगा, और ये देख लेगा कि वो सारी चीज़ें आपस में किस तरह से सिंक्रोनाइज हो रही हैं, यानी कि क्या इनपुट आ रहा है और वो कैसे आउटपुट बन रहा है और क्या आउटपुट बन रहा है. तो ये हम बेसिकली देखते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में. मैं बेसिकली इनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये बेसिक्स हैं. इन केस ऑफ क्वेश्चंस अगर आप लोगों के माइंड में आ रहे हैं तो आप ज़रूर पूछें. नाउ इज़ द टाइम फॉर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट. एनी अदर थिंग दैर इज़ नॉट फंक्शनल तो हम उसको नॉन फंक्शनल कह देंगे, यानी कि उसमें कॉस्ट आ सकती हैं, उसमें हमारी परफॉर्मेंस हो सकती है, रिलायबिलिटी हो सकती है, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे पास आ जाती हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में. अब हार्ड टू मॉडल क्यों हैं ये,
ठीक है, इसका आंसर नीचे वाले पॉइंट में दिया हुआ है। ये हार्ड टू मॉडल इसलिए होती है, देखिए पहले वाले एक वीडियो में मैंने बताया था कि आप अपनी वर्डिंग का इस्तेमाल बहुत गौर व फिक्र से करें। समटाइम्स यू यूज़ द वर्ड्स लाइक मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और इस किस्म के वर्ड्स यूज़ कर देते हैं, जिसके बाद जब हम काम कर रहे होते हैं और हम रिक्वायरमेंट्स को अगले फेज़ में ले जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो हमें एम्बिग्विटी, हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए ये होता है कि जब फंक्शनल रिक्वायरमेंट की बात आती है तो यूज़र्स और क्लाइंट्स और जो डिज़ाइनर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, एवरीवन इज़ कॉन्शियस, क्योंकि यही तो हमारा मेन मकसद है। लेकिन जब नॉन फंक्शनल की बात आती है तो लोग उसको कैजुअली ले लेते हैं कि हाँ ठीक है, हो जाए या ना भी हो तो ठीक है। लेकिन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट फंक्शनल रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं बाज़ूकात, क्योंकि अगर आपको एक काम करना है और आप यही नहीं देख रहे कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो कितना रिलायबल है या वो कितने टाइम में काम कर रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इस चीज़ से, उस सॉफ्टवेयर से, उस प्रोजेक्ट से या फिर उस प्रोडक्ट से। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वही है, यही बताया हुआ है कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में बाज़ औकात पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बता दी जाती है कि हमें इस रिक्वायरमेंट, इसमें नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में ये बात ऐड कर दी जाती है कि हमें जो है ये वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए, और कैपेबिलिटीज़ के ऊपर बात की जाती है, स्टोरेज पे बात की जाती है, कॉन्स्ट्रेंट्स पे बात की जाती है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे बात की जाती है। एग्जांपल आ गई इंटरफेस रिक्वायरमेंट्स नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के, ये रिक्वायरमेंट्स में ये चीज़ें मद्देनज़र रखी जाती हैं। इंटरफेस रिक्वायरमेंट्स यानी कि इस तरह से हमारा जो है सिस्टम इंटरैक्ट करेगा। परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स में कि टाइम क्या होगा, थ्रोपुट क्या होगा, यानी कि कितनी ट्रांजैक्शंस पर सेकंड कर सकता है, यानी कि पर सेकंड जो है हमारे जो सिस्टम की क्या कैपेबिलिटी है, कितना काम कर रहा है। सिक्योरिटी देखी जाती है कि इंफॉर्मेशन किस तरह से फ्लो कर रही है, कौन क्या काम कर रहा है। सर्वाइवेबिलिटी देखी जाती है, ऑपरेटिंग रिक्वायरमेंट्स देखे जाते हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स देखे जाते हैं, असेसिबिलिटी देखी जाती है, ये सब चीज़ें ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स भी देखी जा सकती हैं। देखिए ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स जब आपके माइंड में आएंगे तो ये भी कन्फ्यूज कि हमने प्रोसेसेस तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में देखे थे। तो बेसिकली ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स में ये आ जाता है कि आपने कॉन्स्ट्रेंट देखने जो कि फिजिकल होंगे, आपने देखना है कि क्या स्पीड रही है, आपने इन्वायरमेंटल कंडीशंस देखने हैं। ये पर्टिकुलर चीज़ें जो हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में देखी जाती हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट का स्कोप इतना ज़्यादा नहीं होता जितना कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का। लाइफ साइकिल को रिक्वायरमेंट्स देखी जाती हैं, फिर डेवलपमेंट में अंदर जाके देखा जाता है, इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने देखना होता है कि आपकी कॉस्ट मैच कर रही है आपके सिस्टम से। रिक्वायरमेंट्स को फिर डॉक्यूमेंट किया जाता है, जैसे कि पहले बताया जब दो टाइप की रिक्वायरमेंट्स हैं, मेन यूज़र्स रिक्वायरमेंट्स और सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, तो दो टाइप की डॉक्यूमेंटेशन भी उनकी होगी। जब यूज़र रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की बात आ जाती है तो उसमें हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी लिखते हैं, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी लिखते हैं, और उस पूरे के पूरे जो है डॉक्यूमेंट को हम या तो कहेंगे यूज़र रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट या कहेंगे फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट इज़ द सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, उसमें हम ये बताएंगे कि हमारा सिस्टम क्या एग्री कर रहा है, और हम कॉन्ट्रैक्ट बना लेंगे क्लाइंट के बीच में और किस चीज़ के बीच में, कॉन्ट्रैक्टर के बीच में। अब इसमें हमने बात कर लिया है, इसमें हमने बात कर लिया, डिफरेंट टूल्स इन्होंने लिखे हुए हैं इसमें, आप इसको खुद देख लिएगा, देख लें बिल के। एफिनिटी डायग्राम्स हैं, फोर्स फील्ड एनालिसिस हैं, पेरेटो डायग्राम्स हैं, पावर चार्ट्स हैं, क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट है। तो जब आप लोगों ने अपने जो है डॉक्यूमेंट कर लिया है तो इन ये जो डायग्राम्स हैं ये हेल्प करेंगे आपको डिवेलप करने में सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को। तो यहाँ तक हमारा ख़त्म हो जाता है ये लास्ट पार्ट हमारी रिक्वायरमेंट्स का। होपफुली ये जो है आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल साबित हुआ होगा। तो बी अ पार्ट ऑफ आवर अकेडमी और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।